हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद प्रवीण पर। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गमले में लगी हुई तुलसी जी के पौधे को बिना खाद दिए हुए, बिना फर्टिलाइजर डाले, तुलसी के पौधे को जल्दी से जल्दी घना कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं गमले में लगी हुई तुलसी जी के पौधे को जल्दी से हरा भरा और घना कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, जल्दी से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत किए देता हूँ। सामने जो कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, एक मिट्टी के पॉट में हमारे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, जो दोस्तों काफ़ी स्वस्थ भी है और हरा भरा भी है। दोस्तों, हमें करना क्या है, आगे का प्रोसेस हम आप लोगों को बता देते हैं। हमें उस मिट्टी के पॉट में से अपने तुलसी जी का पौधा इस तरह निकालना है दोस्तों, साथ में मिट्टी भी आए। दोस्तों, मिट्टी अगर नहीं आएगी तो दोस्तों पौधा जो है मर सकता है, यानी कि मुरझा जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मिट्टी लेनी है। साथ में हमने लिया हुआ है एक प्लास्टिक का पॉट, और उसमें हम अपने तुलसी जी के पौधे को शिफ्ट कर देंगे और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। और दोस्तों, हमने साथ में वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाली हुई है। दोस्तों, इसकी ज़रूरत ज़्यादा ग्रोथ के लिए होती है दोस्तों, और इसे आप डालेंगे तो दोस्तों इसकी तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें या कैंची या फिर कटर या फिर हाथों की सहायता से इसकी पिंचिंग कर दी रहनी चाहिए। और दोस्तों, ये सामने जो कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये अपडेट है लगभग 12 दिन का दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं इस तुलसी जी के पौधे में से नई नई कलियां ब्रांचेस निकल रही हैं। और दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हैं ये तुलसी जी के पौधे पर कुछ पत्तियां जो हैं वो मुरझा रही हैं दोस्तों, यानी कि इसमें थोड़ी सी नमी की कमी है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, धीरे धीरे से एक चाकू लेना है या फिर इसकी जगह कोई ऐसी चीज़ लीजिएगा जिससे हम अपने पौधे में सॉइल की गुड़ाई कर सकें। गुड़ाई दोस्तों ज़्यादा गहरी मत कीजिए। और दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस करना है, हल्की सी हमें गोबर खाद या कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डालनी है, और उसके बाद हमें अपने पौधे में वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद दोस्तों, हम आगे का प्रोसेस आप लोगों को बता दें। तब तक आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये मुरझाई पत्तियाँ जो दिख रही हैं, इन्हें हाथों की सहायता से आप तुलसी जी के पौधे की पिंचिंग करती रहना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मैं जल्दी से अपने तुलसी जी के पौधे की पिंचिंग की देता हूँ। और दोस्तों, पिंचिंग ऐसी करें आप जिससे कि देखने में भी बढ़िया लगे, यानी कि बराबर रहे। तो दोस्तों, देखिए मैंने अब अपने पौधे की पिंचिंग कर दी है। और दोस्तों, ये जो अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपडेट है 22 दिन बाद का। तो दोस्तों, ये तुलसी जी का पौधा पूरी तरह से, यानी कि अच्छी तरह से घना हो चुका है, और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतनी जल्दी हमारे तुलसी जी के पौधा घना कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हमें फिर से वही प्रोसेस करना है, एक चाकू लेना है और उस चाकू की सहायता से हमें गमले में सॉइल की अच्छी तरह से ऊपरी सतह की गुड़ाई कर देनी होगी। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जिससे हमारे होता क्या है दोस्तों, हमारे तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होना प्रारंभ हो जाती है। और दोस्तों, तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होगी, तो आप लोगों को घना पौधा मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ में पिंचिंग करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, आप लोग पिंचिंग नहीं करेंगे तो तुलसी जी का पौधा जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन आप लोगों का तुलसी का पौधा जो है घना नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को
जितनी पिंचिंग करनी है करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो